अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से दिली तौर पर ईद उल अज़हा मुबारक। उसके बाद अर्ज ये है कि नमाज के बाद आए हैं, अब्बा जी की शूज़ जो हैं वो कोई उठा के ले गया था, और सर मोहम्मद अली साहब उनकी भी जो है शूज़ कोई उठा के ले चुका है, और फिर अब्बू को मैंने अपने शूज़ दिए, और मैंने फ़िलहाल मस्जिद से उठा के ये पहने। बाद में पक्का 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 है कि मैं वापस कर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे वाली नहीं पहनी मैंने, थोड़ी सी माड़े वाली पहनी है, तो बस वापस करनी पड़ेगी। अच्छे वाली होती तो फिर नहीं वापस करनी थी। बाकी अल्लाह खैर करे, ये अब्दुल्ला जो शूज़ पहन के आया था ये भी वो नहीं पहन के जा रहा, इसने भी किसी को दाल गाया, ये देख, ठीक है। इधर ये माहद है, माहद ने भी जो है ना अंगूठे वाली नहीं पहनी हुई थी, दूसरी पहनी, ये माहद ने भी दाल गा दिए, ठीक है। इधर अतीब है, अतीब के शूज नए थे, इसने अपनी कच्छ में रखे हुए थे, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसके बच गए, अल्लाह खैर करे। तो निकलते हैं अब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए गाऊँ, उधर से बकरा लेके आना है, और एक बड़ा जो है जानवर है उसमें भी हिस्सा है, वो इधर से उठाना लिया सिटी में। मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर की रखे। मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हुआ हुआ है, ठीक है। वैसे भी आप सब लोगों को पता होगा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। जूती कह दिया मस्जिद ही नहीं, मैं तो चूक के लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया। तो अभी चाचू इकराम साहेब और रक्षे वाले सीधा आया, ज़्यादा ना मनो यार, मतलब वन वे रोड्स का जो है ना किसी आवाम को पता नहीं होता यार, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारे समय थी। अच्छा, हमारे साथ आयस और इधर अब्दुल्ला, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह जानवर, जो बड़ा जानवर है वो उठाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वो ज़िबा हो गया, इंशाल्लाह अभी जाके देखते हैं गोश्त बन गया तो फिर इंशाल्लाह उठा के आ जाएंगे। ऐसा ही है आयस, आयस किधर जा रहे हो? कौन सा गोश्त? बड़ा कौन सा? कितना का बड़ा? बड़े जानवर का। अच्छा जी, तो मैं कह रहा हूँ चलो अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं मदरसा में, अशरफुल मदारस लैया में जो है मदरसा है। इधर माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर होते हैं, इस साल मेरा ख्याल में इनके पास थे आई थिंक सो 39 जानवर। तो हमारे जो जानवर थे चाचुओं का था एक 16 नंबर, उसके बाद 17 नंबर, फिर उसके बाद 24 और 25 नंबर। तो जाके देखते हैं कौन कौन सा बन गया है और कौन कौन सा रहता है, फिर इंशाल्लाह गोश्त वगैरह लेके फिर चलते हैं घर, बनाते हैं बोटियाँ और करते हैं एंजॉय खा पी के। आयज ने भी गोश्त इकट्ठा कर लिया, आयज के पास दो थैले इकट्ठे हो गए। आयज कहाँ से इकट्ठा किया? हाँ भाई, तेन कितना इकट्ठा हो गया? वाह, कितनी की गलियां फिरनी पड़ी? कितनी गलियां फिरनी पड़ी? कितनी गलियां फिरनी पड़ी? बहुत मेहनत है क्या साला, खिड़की तो खुला ही रखे गए, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये देखे माशाल्लाह से, अब इधर से लेके निकलते हैं वापसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यार ये मक्खी कहाँ से आ गई है? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इससे हमने उठा लिए हैं जो बड़े जानवर में थे, पहले चाचू वगैरह का जो थे वो पहले लेके गए थे। तो हमारा जानवर काफ़ी लेट बना, एक तो उनका खाने वगैरह का रेस्ट आ गया, तो आज मेरे ख्याल में उनके टीम मेंबर भी कुछ कम थे, कसाई सीधे लफ्ज़ों में। तो खैर अभी दो हिस्से हैं, एक हमारे हैं और एक हम मेरे जो ससुराल हाउस है
उनका है अभी जाते हो, उनसे इंशाल्लाह ईद भी मिल लेंगे और उनको मतलब गोश्त वगैरह दे के फिर हम अपने घर जाएंगे। इसकी जो भी तकसीम वगैरह है वो करने के बाद दोबारा से, अभी मैंने ड्रेस सारा वो चेंज किया है क्योंकि ये गट्टू शट्टू उठाना फिर थोड़ा आपको पता है चीटे कपड़ों पे जो है ना वो लग जाता है, चीटे ना भी हों तो मतलब गंदे हो जाते हैं, तो फिर बंदे ने ईद वाले कपड़े हों और वो बंदा पहली बार पहनते ही वो उसको ख़राब कर ले, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स बेटर नो। तो इसलिए मैंने चेंज मेंज करके अब आया था और गर्मी काफ़ी मतलब इस तरह के मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सुबह बारिश दे दी, तो वो भी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर जो है वो बहुत मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा एहसान है, क्योंकि हम 4-5 दिन पहले ही आपस में मतलब बहन भाई और सारे चाचू वगैरह यही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ईद ठंडी गुजार दे, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर हमेशा ही मेहरबान होते हैं। तो खैर अभी वैसे हबस है थोड़ा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है, तो अभी इधर से होके इंशाल्लाह जाते हैं घर, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी आज की क्या रूटीन है, पता नहीं आज कोई आउटडोर कहीं पे कुछ बनाना है कहीं जाना है या नहीं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पहुँचे हैं ससुराल घर, छोटा भाई बुरहान उसका पता करते हैं को है या नहीं, उठाते हैं गट्टू शरीफ को पहुँचाते हैं इधर और फिर चलते हैं आगे यानी कि अपने घर हाउसिंग कॉलोनी। अल्लाह खैर खैरियत रखें, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखें सबको, आमीन। कुछ फिरने के बाद सारा दिन गुजरने के बाद नाइट हो चुकी है, आप ये छोटा सा जो है ना मुन्ना सा जो है हमारा बच्चा है ठीक है, ये हमारे इस रिश्ते में जो है ना भतीजी लगती है माशाल्लाह से, भांजी भी लगती है, नाम क्या है आपका? आयजा कमर या सिर्फ आयजा? ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? 3 में, चलो माशाल्लाह लाहौर में रहते हो, चलो फिर नेक्स्ट कब विजिट करने लगे? अगली ईद पे, चलो ठीक है अगली ईद पे फिर इंशाल्लाह इनसे मुलाकात करेंगे अच्छी तरह से, तो अभी थोड़ा सी बाकी है, थोड़ा सा दिन हमारा है बल्कि रात ही बाकी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ठीक है। आयजा अल्लाह हाफिज़ बोल दो अभी हमें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो कुछ जो मेहमान थे वो जा चुके हैं ठीक है, रात हो चुकी है और अभी चाचू इकराम भी इधर ही हैं, ये उनकी गाड़ी है, अपनी भी अभी बाहर ही है क्योंकि अंदर कुछ बाइक्स हैं। रात के इस पहर हम किधर जा रहे हैं? इस टाइम छोटे चाचू के पास जा रहे हैं, उनसे उनको उठाया गया, उनको उठा के उनसे कुछ खाते पीते हैं क्योंकि उनसे कुछ प्रोमिसज थे खाने पीने के वाले से, कुछ चाय शाय भी उन्होंने बोला था लेकिन वो आए नहीं, मतलब खुद उससे हट गए थे। ये चाचू इकराम और आयज, वेलकम बैक। फाइनली रात हो चुकी है, इस टाइम जो है टाइम एग्जैक्टली पता नहीं मेरा दूसरा सेल किधर है और घड़ी भी मैं उतार चुका हूँ तो टाइम का एग्जैक्टली नहीं पता, गालबन 12 बज चुके होंगे। तो थक हार के सारा दिन भाग दौड़, फिर कोच डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद हॉस्पिटल जाना था और उसके बाद फिर ससुराल, फिर थोड़े से काम, फिर घर पर गेस्ट आए हुए थे भाई कमर वगैरह, ताया जी के बेटे, उनकी फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह फिर चाचू वगैरह, और फिर हम सब ने मिल के हमारी फैमिली और चाचू ने मिल के जो है ना हमने एक जगह पे छापा मारा, छापा वो वाला नहीं था नॉर्मल वाला, फैमिली छापा था छोटे छोटे चाचू अनवारुल हक साहब के घर, तो उधर गए हैं, उधर जाके थोड़े से मैंगो शेंगो खाए हैं, साथ एंजॉय किया हमने, आइसक्रीम मज़े की थी, 2 फ्लेवर थे, 2, एक पिस्ता था, दूसरा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं खाया, आई थिंक सो वनीला या मैंगो, बहरहाल खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने आज मौसम ठंडा किया, अल्लाह ताला ने हमें जो है आज का जो मौका हमारे हमें नसीब किया ठीक है, क्योंकि ये जो ईदें आती हैं और उसमें हम कुर्बानियाँ करते हैं, उस कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं होता, हम उसको अगर जाने उसको हम थोड़ा रिसर्च करें, ख़ुद की सोच अच्छी हो तो मतलब उसमें बहुत सारी गहराइयाँ शामिल हैं, तो अल्लाह ताला हमें जो है हमारी कुर्बानी हमारा जो भी नेक अमाल हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, और लाजमी जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कीजिएगा, और वो साथ एक घंटे का छोटा सा बटन होता है उसको भी थोड़ा सा दबा दोगे तो वो इस तरह के हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी।
एज यू नो आई थिंक सो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं आपके साथ मोहम्मद आदिल इस्लाम. इजाज़त तो खुद ही होगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया. अल्लाह हाफिज़.